Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and hum karenge 2 mark ka ek aur question which is related to DBMS and SQL. So SQL aur DBMS aapko 2 marks mein bhi aayega, 3 marks mein bhi aayega and 4 marks mein bhi aayega. So kis tarah ke questions aapse har category mein puche jayenge wo main aapko in choti-choti videos ke through karwa rahi hu taki aapki practice hoti rahe. Kabhi bhi chalte firte 2-4 minute ki ek video dekho, ek question practice ho jayega, right? So chaliye dekhte hain ki is video mein hamare paas kya question hai. So a non-key attribute whose values are derived from primary key of some other table is known as dash. ठीक है, so primary key नहीं है, non-key attribute का मतलब है कि it is not a primary key. अब वो primary key तो नहीं है, fine, but it is taking values from the primary key of another table. So उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं foreign key. Yes. So foreign key जो होता है वो आपने हमेशा देखा होगा कि वो link होता है दूसरे table की primary key से और उसमें वही values आ सकती हैं जो दूसरे table की primary key में होती हैं. इस चीज़ को referential integrity भी कहते हैं कि foreign key जो है वो वही values ले सकता है जो कि आपके parent table की primary key में present हैं. Other than that we cannot take a value. जैसे कि एक employee है और एक department table है, वो आपस में linked है, तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक कॉलम है डेप्ट आईडी, राइट, और एक डिपार्टमेंट टेबल है जिसके अंदर डेप्ट आईडी प्राइमरी की है. अब इसके अंदर उसमें से वैल्यूज आएंगी, लेकिन अगर मेरे पास डिपार्टमेंट ही दो है 10 और 20, तो मैं यहाँ पर 10 20 10 यही सब ले सकती हूँ. आई कैन नॉट टेक 40 और 50 इन दिस क्योंकि वो यहाँ पर है ही नहीं, राइट. सो इसका आंसर क्या है? फॉरन की. और अगर ये आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की फॉर्म में पूछ लिया जाता है तो उसका मतलब ये है कि फॉरेन की में वही वैल्यूज हो सकती हैं जो यहाँ प्राइमरी की में प्रेजेंट है, राइट. सेकंड क्वेश्चन है विच क्लॉज इज यूज्ड टू पुट कंडीशन ऑन ग्रुप बाय क्लॉज. तो ग्रुप बाय क्लॉज के ऊपर फर्दर कंडीशन लगानी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें क्या यूज़ होता है? हैविंग. और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, वो दो नंबर का आएगा अगर आपको आया तो, ठीक है. बट इसका आंसर है हैविंग. तो हैविंग में जो कंडीशन होती है दैट इज़ यूज टू फिल्टर द ग्रुप्स, ग्रुप्स को फिल्टर करती है. वेर एज वेयर में जो कंडीशन होती है वो रोज को फिल्टर करती है, तो वो कंडीशन रोज पे चेक होती है, उसके बाद ग्रुप्स बनते हैं. लेकिन हैविंग में जो कंडीशन है उससे पहले ग्रुप्स बन जाते हैं एंड हैविंग इज यूज टू फिल्टर दोज ग्रुप्स टू पुट कंडीशन ऑन द ग्रुप्स की दिखाने हैं या नहीं. तो आंसर विल बी हैविंग क्लॉज इज यूज टू पुट कंडीशन ऑन द ग्रुप बाय क्लॉज, राइट. That is it. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दो नंबर बड़े ही प्यार से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोज टू मेक यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक दिस. सो अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और अपने सारे क्लासमेट्स जूनियर्स सबके साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट इन कोडिंग फ्रॉम हियर. बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल ऑफ यू.